खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और अब बात गुरदासपुर में मचे सियासी गदर की। पंजाब का गुरदासपुर इस बार के लोकसभा चुनाव में बेहद चर्चा में है। इसकी वजह है अभिनेता सनी देओल, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, जहां जाते हैं उन्हें देखने के लिए भीड़ लग जाती है। सभाओं में वो फिल्मी डायलॉग बोलकर लोगों से वोट की अपील भी करते हैं। सनी देओल का मुकाबला कांग्रेस के सांसद सुनील जाखड़ से है। गुरदासपुर में आखिरी चरण में 19 मई को मतदान होगा। सनी देओल किस तरह गुरदासपुर में अपना कैंपेन चला रहे हैं, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। ये फिल्मों का है जो मैंने फिल्में की हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में ढेर सारे लोग मुझसे जुड़ गए हैं। हाँ, मौका नहीं मिला मुझे बाहर जाने का, ताकि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूं। शायद पॉलिटिक्स में आया हूं तो उन्हें मुझे मिलने का चुने का मौका मिल रहा है। सनी देओल को देखने आ रहे हैं आप लोग? जी। बीजेपी वाले हैं या सिर्फ ऐसे जनता है यहाँ से? नहीं, बीजेपी वाले हैं। मैं कोई यूएसपी की एक्टिंग तो नहीं कर रहा, जो मैं हूँ सो हूँ। और मेरी फिल्मों में भी जो कैरेक्टर्स थे वो उसी तरह के थे, और जिस वजह से लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। और मैं हूँ कि बिलीव करता हूँ कि इन सच्चाई। क्या खास बात लगती है, अच्छी बात लगती है सनी देओल में? हीरो और कुछ नहीं, हीरो और कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जो काम करे वो जमीन से जुड़े है, और ये हीरो है, इन्हें तो बाहर ही जाना। फिर जीतने के बाद यहाँ आकर मैं हर जगह घूमकर समझना चाहता हूँ, मीट द प्रोफेशनल्स, मीट द पीपल, सबको मिलकर जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी, और बाकी मैं जिन जिन को जानता हूँ बिजनेस हाउसेस में, वो मेरे साथ जुड़े और हम लोग कुछ यहाँ अच्छा कर पाए। कभी सोचा नहीं था मैं आऊँगा, लेकिन कुछ अचानक एक ऐसी चीज़ हो गई। मेरे को काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। मैं भी वाहेगुरु चाहता कि मैं ज्वाइन कर लूँ, पता नहीं क्यों क्या हुआ। और फिर मेरी बातचीत हुई तो मैंने बोला चलो, मेरे बेटे की फिल्म भी ख़त्म ही हो चुकी है तो मेरा मौका मिल रहा है, और मैं भी जाके देखूँ कि पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं कैसे करते हैं, मैं किस तरह से कर पाऊंगा। सनी देओल की आज पहली जो जनसभा है वो भगवाल में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सनी देओल बात कर रहे हैं, और उनको सुनने के लिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं। महिलाएं पुरुष सभी जो हैं यहाँ पर उनको सुनने, और सनी देओल खुद कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मोदी जी जीतेंगे, और मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो देश को जरूरत है। We need a strong prime minister and I don't think there's anybody more stronger than Modi ji, and he has definitely done, he's brought the country all together, इकट्ठी हो चुकी है। और काफी मुद्दे उन्होंने जिनको उन्होंने जिस तरह से टैकल किया बहुत अच्छी तरह से किया। हाँ, अक्सर बिकॉज हमारे यहाँ इश्यूज इतने सारे हैं तो उसमें कितने बहुत सारों को तकलीफ होती है, जिनको तकलीफ होती है फिर वो नेगेटिव चले जाते हैं, पर वो बातें होती रहेंगी बिकॉज एकदम से आप सब चीज़ सुधार तो नहीं सकते। 2 लाख भी वोटर जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। कांग्रेस कहती है कि बाद में मुंबई चले जाएंगे, बहुत ज्यादा वोट है, विश्वास है कि यहीं रह के काम करेंगे। मैं प्यार कर दी टूटे।
मेरे को पॉलिटिक्स की यही बात समझ में नहीं आती कि जिसे देखो किसी को गाली निकाल रहा है, जिसे देखो किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है भाई, और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोग, उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग भी उसको एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज सबको टीआरपी मिल रही है। ऐसा ऐसा होगी एंड आई थिंक वी नीड अ पर्सन लाइक हिम बिकॉज पिछले 5 साल और अगले 5 साल के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड आई थिंक मोदी जी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। पर्सनल बात करें तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? आप सुबह कसरत भी करते हैं और फिर दिन भर ये प्रचार प्रसार होता है, एक्सरसाइज को टाइम कैसे मिल रहा है, डाइट आप कैसे कर रहे हैं? मैं शुरू से ऐसा हूँ मेहनत शुरू से करता आ रहा हूँ, मुझे डर, मुझे अभी भी देखिए थका तो हूँ लेकिन मुझे वो नहीं है, बट मैं हूँ ही ऐसा। फिल्म्स भी मैंने कितनी की हैं, जब मैं शुरू में आया था तो 7 बजे की शिफ्ट होती थी, मैं पहुँच जाता था, प्रोड्यूसर बोलता भाई 7 बजे की बोला लेकिन 9 बजे शुरू होगा, तो मैं हूँ, मैं बदल नहीं सकता, और मैं बैठ जाओ लेजी हो जाओ तो फिर आदमी बोलता है चलो आज काम ही मत करो, तो इसे मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब काम करने आया तो काम करो और उसका काम को जितनी जल्द हो सके ख़त्म करो, और जितना फ्रेश रहता है आदमी उतना बेटर होता है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मुलाकात करते करते सनी देओल गुरुद्वारा में आकर बाबा के सामने मत्था टेकना भी नहीं भूलते हैं। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा, ये अलीवल से जब उनकी जो जनसभा वो ख़त्म हुई उसके बाद सनी देओल जो हैं अपने अगले पड़ाव के लिए जा रहे थे, उसी समय बीच में एक गुरुद्वारा दिखा, तो इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने वो आए हैं और यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए हैं। आप लोग सनी देओल को देखने आए हो? Yes. हैं? क्या अच्छा लगता है उनमें? बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है? उनके डायलॉग, उनकी फिल्में भी देखते हैं। अच्छा, जितने अच्छे अभिनेता उतने अच्छे राजनेता बनेंगे आप लोग को लगता है? बनेंगे, अच्छा काम करेंगे। भी गुरदासपुर में भी सिर्फ वैसे ही रोल करेंगे जैसे उनका फिल्मों में किरदार देख के आए हैं। अच्छा। गुरदासपुर में भी ऐसा किरदार देखने को मिले। सनी देओल को ही वोट देंगे, हमारा पूरा गांव उनके साथ है। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, धर्मेंद्र जी ने एक स्टेटमेंट किया था कि अगर उन्हें पता होता कि सुनील झाकड़ जो बलराम झाकड़ उनके दोस्त के बेटे उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो आपको मशवरा करते सलाह देते कि नहीं लड़ें, आप इसे किस तरह देखते हैं सर? ने कहा था ये स्टेटमेंट नहीं, पापा ने पेपर, मुझे नहीं लगता पापा ने ऐसा कुछ कहा है, मैं पापा से पूछूंगा फिर मैं बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा कहा, बिकॉज मुझे कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, सो मैं ऐसी कुछ बात बोल दूंगा फिर उस वो बात से बात चलेगी। तो सनी पाजी यहाँ पर अपने अंदाज में सच्चाई से बातें रखते हुए और ये कहते हुए कि जिस तरह मैं हूँ उसी तरह रहूँगा और जिस तरह अच्छा अभिनय किया है उसी तरह अच्छा राजनेता बन के भी गुरदासपुर जनता की सेवा करूँगा। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ गणेश ठाकुर, ABP News गुरदासपुर।